सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बड़ौत शहर में रक्तदान जीवनदान ग्रुप ने दिया रक्तदान। पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस की महामारी के चलते लोगों की लगातार मौतों की खबर सामने आ रही है, तो इस वायरस से भारत सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन कर रखा है। ऐसे में बागपत के बड़ौत में रक्तदान जीवनदान के नाम से शुरू हुआ एक ग्रुप ब्लड डोनेट कर लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। इस लॉकडाउन के समय में जहां लोग घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश हज वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में चल रहा ग्रुप रक्तदान जीवनदान भी लोगों की सेवा में दिन रात जुड़ा हुआ है। पूरे जिले में क्या पूरे प्रदेश में भी शायद ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। रक्तदान जीवनदान ग्रुप बनाकर लोगों को ब्लड डोनेट कराकर इस संस्था ने एक अच्छी पहल की है जो काफी सराहनीय है। ग्रुप पिछले काफी सालों से इस खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं। इसी के चलते आज 16 मई 2020 की रात 10 बजे वसीम मुल्तानी व आकिब अहमद और हज वेलफेयर सोसाइटी के मंडल अध्यक्ष फहीम अहमद व उनके ही टीम के सदस्य सादिक साहब ने भी ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर रक्तदान जीवनदान ग्रुप के संस्थापक मुकीम मलिक ने कहा कि किसी का जीवन बचाना ही सच्ची मानवता और हमारा असली धर्म है। इस ग्रुप के माध्यम से किसी को भी ब्लड की जरूरत होती है तो हम लोगों को ब्लड उपलब्ध कराते हैं। इस मौके पर नदीम समीर अहमद, शोबी मलिक, फहीम अहमद, मोहम्मद गुलजार आदि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम मुकीम मलिक, उत्तर प्रदेश हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी उपाध्यक्ष, रक्तदान जीवनदान संस्थापक। हमारी एक सोसाइटी है रक्तदान जीवनदान, पिछले 6-7 साल से कार्य कर रही है ब्लड डोनेशन का। उसी के बीच आज ब्रोथ से एक पेशेंट रोगी जो ब्रोथ मेडिसिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसका हीमोग्लोबिन 8 है, उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट आई। हमारे ग्रुप के 2 साथी ब्लड सेट करा के सलिया और उस पेशेंट को अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाई। और इस रक्तदान जीवन में हमारी एक योद्धाएं जो है जो उसमें काम कर रहे हैं साले के समीर अहमद, शोभी मलिक, गुलजार अहमद, फहीम अहमद आदि इत्यादि बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और हम सबका दिल से सैल्यूट करना चाहते हैं। इसी के साथ हम हिंदू मुस्लिम रक्तदान बचाएगा हिंदुस्तान। मेरा नाम फहीम अहमद है, उत्तर प्रदेश हज वेलफेयर सोसाइटी मंडल अध्यक्ष। मुझे अभी पता चला, मुकीम भाई ने और समीर भाई ने बताया कि एक लेडीज को ब्लड की ज़रूरत है, वो बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जैसे ही मुझे पता चला तो मैं एकदम रोज़ा इफ्तार करने के बाद दौड़ा चलाया आस्था हॉस्पिटल में। मैंने कहा कि मैं एक यूनिट देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसको एक यूनिट ही चाहिए थी। वैसे एक एक्स्ट्रा यूनिट हमारे भाई देंगे, हमारे साथ में ही आए हैं साबिर भाई जी। तो इंशाल्लाह हम जहाँ पे भी मतलब ज़रूरत पड़ती है, हमारा रक्तदान जीवनदान ग्रुप है, मुकीम भाई है, समीर भाई है, बहुत अच्छी कार्य कर रहे हैं ये इसमें, और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे फौरन पहुँच जाते हैं। शुक्रिया।